समाज सुधार यात्रा नहीं है, ये समाज बिगाड़ यात्रा है, समाज में दारू बिकवाओ यात्रा है, हत्या यात्रा है। ये पूरे तरीके से बिहार को झंझोड़ के इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया। बिहार को चौपट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा। अगर योगदान गिनीज बुक में अगर नाम लिखाएगा तो नीतीश कुमार जी का बिहार में, बिहार को चौपट करने में इनका नंबर वन पर नाम लिखा है। नीतीश कुमार जी को जिंदा किसने किया? नीतीश कुमार जी को लालू जी ने जिंदा करने का काम किया। तो यही सब बन के गए हैं नीतीश कुमार जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से बिहार में शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान पर निकल रहे हैं और समाज में जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि शराबबंदी सफल है और उस कानून को लेकर वो जागरूकता अभियान पर निकलेंगे, इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने करारा बयान दिया है नीतीश कुमार पर। सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दारू बेचवाओ यात्रा पर निकल रहे हैं, जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री कल से, और उसको लेकर तेज प्रताप ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से बिहार में हर जगह शराब मिल रही है उसके बाद भी मुख्यमंत्री निकल रहे हैं दौरे पर, इसको लेकर क्या कुछ कहा तेज प्रताप ने, सुनिए आप। कल से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, उसका नाम है समाज सुधार यात्रा। समाज सुधार यात्रा नहीं है, इस समाज बिगाड़ यात्रा है, समाज में दारू बिकवाओ यात्रा है, हत्या यात्रा है। ये पूरे तरीके से बिहार को झंझोड़ के इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है और ये यात्रा निकालने जा रहे हैं। शराब तो बंद हो नहीं रहा है, शराब से लोग इतना लोग एथी हो रहे हैं, मर रहे हैं पूरे तरीके से। बिहार अंधकार में जा चुका है, बिहार का इनको देखभाल करना ठीक से नहीं आ रहा है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, घर में बैठे हैं ये किसी काम लायक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा बीजेपी, नहीं तो हम लोग अब आंदोलन करेंगे। विशेष राज्य दर्जा का जो है मांग हम लोग शुरू से, जब माता जी हमारे मुख्यमंत्री थी तो शुरू से हम लोगों ने केंद्र सरकार से हम लोगों ने मांग करने का काम किया है, तो विशेष पैकेज मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी खाली बिहार में, आप खासकर जो पटना में जो है फ्लाई ओवर बनाएंगे तो कभी रोड बनाएंगे, पटने को चमकाएंगे, अपना चेहरा चमकाएंगे, फोटो में चमकाएंगे हर एक तरीके से, लेकिन बिहार को जो स्पेशल स्टेटस, बिहार को जो पैकेज की जो मांग की गई तो उन लोगों ने नकारने का काम किया। हमारी माता जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने मांगने का काम किया था कि बिहार को विशेष राज्य पैकेज मिलना चाहिए, मेट्रो सिटी बनाना चाहिए बिहार को, लेकिन इन कामों पर इनका ध्यान नहीं है। यात्रा लगा रहे हैं, मर रहे हैं लोग, शराब बंद नहीं हो रहा, पूरे तरीके से बिक रहा है और बर्बाद हो गया बिहार पूरे। लगातार दो दिनों में दो किन्नरों की संदेहात पर मौत हुई है, आज किन्नर सब लोगों की मौत हो रही है। नहीं, किन्नर समाज के लोगों ने कहा कि लालू जी के राज में हम लोग सुरक्षित थे, अच्छा था। सही बोल रहे हैं, सम्मान मिल उस समय में, उस समय जो पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो, और उस समय में सारे लोगों को सम्मान मिलता था, सब लोग को सम्मान मिलता था, सब लोग को प्रेम मिलता था। इनका राज में आप देख लीजिए, गरीब से गरीब बेहाल है पूरे तरीके से, अंधकार में सब लोग जा चुका है। तो बिहार को चौपट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा। अगर योगदान गिनीज बुक में अगर नाम लिखाएगा तो नीतीश कुमार जी का बिहार में, बिहार को चौपट करने में इनका नंबर वन पर नाम लिखा है। क्या लगता है पुलिस तंत्र पूरी तरह से फेल है? दिनेश चंद यादव सांसद है जेडीयू के, उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी अब जेडीयू को साथ नहीं रखना चाहती, कोई भी बात नहीं मान रहा, बाहर निकले इस गठबंधन से नीतीश कुमार, आप लोग रखेंगे? जब वो सब निकाल करके फेंक दिया है, अब रहना ही नहीं चाहता, ये लोग में डाले नहीं गल रहा है, तो अब बात की बात है ना। जो नेता का तो नहीं, जो नेता का डिसाइड होगा, अगर नेता डिसाइड करेंगे, जब वो सब निकाल करके फेंक दिया है, अब रहना ही नहीं चाहता, ये लोग में डाले नहीं गल रहा है, तो अब बात की बात है ना। जो नेता का नहीं, जो नेता का डिसाइड होगा, अगर नेता डिसाइड करेंगे रखना है तो रखा जाएगा साथ में। नीतीश जी के साथ आ जाएंगे? नीतीश जी तो यहीं से गए हैं बन के। नीतीश कुमार जी को जिंदा किसने किया? नीतीश कुमार जी को लालू जी ने जिंदा करने का काम किया, तो यहीं सब बन के गए हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को कौन पूछता है, लालू यादव को ना पूछता है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मांझी जी का जुबान काट के लाएगा तो इनाम। अब देखिए, इस तरीके का बयान से बचना चाहिए लोगों को, किसी का कोई जवान नहीं काट सकता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता चाहेगा तो लोग का जवान काट देगा, लेकिन नेताओं को इस तरीके से बात से बचना चाहिए। और किसी भी जात पे या किसी भी जिस तरीके से मांझी ने बयान दिया उस तरीके से मांझी जी को भी बचना चाहिए, किसी पे जात पात नहीं करना चाहिए। चलिए।